नमस्ते भाई बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको 14 अध्याय सुना रही हूँ। सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और आज 14 अध्याय में है बेन का राज्याभिषेक होना एवं बेन के द्वारा हरि भक्तों को जप तप भजन आदि से रोक कर अधर्म का प्रचार कराना। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। मैत्रेय जी बोले हे विदुर जी, जब राजा अंग बिना कहे सुने ही रात्रि में घर से निकल वन में पहुंच गए, तब सुबह होते ही मंत्रियों तथा नगरवासियों को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने राजा को बहुत खोजा, लेकिन राजा का कहीं भी पता नहीं चला। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। राजा के बिना नगर में चोरी एवं ठगी आतंक बढ़ने लगे। ब्राह्मणों एवं ऋषियों ने अंग के वंश में किसी अन्य व्यक्ति को राजा बनाने के योग्य न समझा। तब लाचार होकर उन्होंने वेन को ही राज्याभिषेक कर दिया। वेन शक्तिशाली तो था ही, राज्यपद पर बैठते ही उसने चोर डाकुओं को पकड़कर प्राण दंड देना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में जैसे सर्प के भय से चूहे भागते हैं, उसी प्रकार बलशाली राजा वेन के डर से सभी दुष्ट और दुराचारी लोग उसके नगर को छोड़कर चले गए। जो अन्य राजा वेन के पिता महाराज अंग को कर नहीं देते थे, वे सभी उसे कर देने लग गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। सातों दीपों में वेन ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि जगत में उसके समान प्रतापशाली अन्य दूसरा कोई नहीं था। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। हे विदुर, कुछ समय बाद वेन ने अपने मन में सोचा कि लोगों को किसी दूसरे देवता के निमित्त यज्ञ दान तप और भजन कीर्तन इत्यादि न करके उसकी जगह मेरी ही पूजा और आराधना करनी चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। क्योंकि मैं ही सबको अन्न देकर सबका पालन करता हूँ। उसके हृदय में जब ऐसा विचार उत्पन्न हुआ तो वह परमेश्वर को बिल्कुल ही भूल गया। वो भगवान को बिल्कुल ही भूल गया उस समय, और उसने अपने राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर देवता एवं पितरों के नाम पर यज्ञ दान पूजा श्राद्ध हवन इत्यादि न करे। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। जिस व्यक्ति को जो भी करना हो उसे मेरे ही नाम पर करें। जो मनुष्य इस आदेश को नहीं मानेगा वह दंड का अधिकारी होगा। इस तरह ढिंढोरा पिटवाने के बाद राजा वेन अपनी सेना सजाकर विश्व विजय करने के लिए चल दिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। वह जिस देश एवं नगर में जाता था वहीं के राजा उसे भेंट देकर उसकी स्वाधीनता स्वीकार कर लिया करते थे। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। तब राजा वेन उन सब से भी यह कहता था कि तुम लोग अपने राज्य भर में ऐसी आज्ञा प्रसारित कर दो कि कोई व्यक्ति किसी देवता पितर अथवा परमेश्वर के नाम पर यज्ञ दान पूजा पाठ आदि ना करें। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। जिसे जो करना हो वह मेरे नाम पर करे। प्रतापी राजा वेन के भय से सभी राजा उसकी आज्ञा को स्वीकार कर लेते थे। इस प्रकार वेन के भय से कुछ दिनों में सातों दीपों में यज्ञ दान तप शुभ कर्म होने बंद हो गए हैं तथा पापाचार बढ़ने लगा है। राजा ने इस अधर्म को जब ऋग वरिष्ठ आदि ऋषि एवं ब्राह्मणों ने देखा, तब उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर बैठकर आपस में यह विचार किया कि राजा का काम अधर्मियों तथा पापियों को दंड देना होता है, परंतु यह राजा वेन ऐसा अधर्मी उत्पन्न हुआ है कि इसने
संपूर्ण पृथ्वी से धर्म एवं पुण्य को ही उठा दिया है, पुण्य को ही उठा दिया है। अतः इसका कोई उपाय करना चाहिए, अतः इसका कोई उपाय करना चाहिए। इस प्रकार विचार करने के पश्चात ऋषि मुनियों ने निश्चय किया कि हम लोगों ने ही बैन को राजसिंहासन पर बिठाया है, अतः हमें एक बार उसके पास चलकर उसे समझाना चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। शायद हमारे समझाने बुझाने में मान जाए और अधर्म करना हमेशा के लिए बंद कर दें। यह निश्चय करने के उपरांत भृंग वरिष्ठ आदि ऋषि मुनि एकत्र होकर सारे ऋषि मुनि एकत्र एक साथ इकट्ठा होकर राजा बैन के पास गए। राजा ने दंडवत प्रणाम करने के पश्चात उन सबको सम्मान पूर्वक बिठाया और तत्पराय ऋषियों ने राजा से कहा, हे राजन, हम लोग तुम्हें एक बात समझाते हैं। समझाने को यहाँ आए हैं, उसे स्वीकार करने पर तुम्हारा कल्याण होगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और उसमें तुम्हारा कल्याण होगा। यह सुनकर बैन ने पूछा वह बात कौन सी है। तब ऋषि बोले, हे राजन, तुम संसारी लोगों को जप तप यज्ञ तथा देवता एवं पितरों आदि के शुभ कर्म करने से मना करते हो, यह बात अच्छी नहीं है। हम लोगों को तो यही धर्म है कि हम लोग श्री नारायण जी का ध्यान करें तथा उन्हीं के जप तप यज्ञ आदि शुभ कर्म करें। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बैन ने कहा, हे ऋषियों, आपके पुराणों में राजा को परमेश्वर का स्वरूप कहा गया है। आपके पुराणों में राजा को परमेश्वर का स्वरूप कहा गया है। अतः आप लोगों को मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि आप लोग मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं आप सबको दंड दूंगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो मैं आपको दंड दूंगा। बैन के मुख से ऐसे शब्द सुनकर ऋषि मुनियों ने परस्पर यह निश्चय किया कि ऐसे अधर्म राजा को मार डालना ही उचित है। यह विचार कर उनमें से किसी ऋषि ने अपने हाथ में जल लिया और किसी ने कुश लेकर मंत्र पढ़ते हुए ऐसा श्राप दे कि जिसके कारण बैन तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। उसकी मृत्यु हो जाने पर सभी ऋषि मुनि अपने अपने घर को चले गए। बैन के मर जाने पर उसकी माता सुनीता बहुत प्रकार से विलाप करने लगी। उसने इस विचार से कभी ये ऋषि मुनि पुनः प्रश्न होकर मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे, बैन की लाश को जलवाने के बजाय उसकी आंतें निकलवा कर पेट खुलवा एवं उसमें मसाले भरवा कर उसे तेल में रखवा दिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। तेल में रखवा दिया, उससे उसके सड़ने गलने का भय ना रहे। राजा बैन की मृत्यु के पश्चात संसार में फिर से यज्ञ हवन जप तप आदि शुभ कर्म होने आरंभ हो गए। परंतु राजा के न रहने के कारण चोर और ठग इत्यादि फिर से प्रजा को पीड़ा पहुंचाने लगे। जो लोग अधर्मी थे फिर वे निश्चय होकर मन माना पाप करने लगे। यह दशा देखकर ऋषि मुनि तथा ब्राह्मण ने फिर से अपने मन में यह विचार किया कि राजा के बिना संसार में धर्म स्थिर नहीं रह सकता है। ऐसी अवस्था में संपूर्ण प्रजा वर्ण संकर हो जाएगी। नीति शास्त्र में लिखा है कि जिस देश में कोई राजा न हो अथवा जहाँ का राजा धर्मी अधर्मी या मूर्ख हो अथवा जहाँ स्त्री राज्य करती हो
अथवा जिस देश में अनेक राज्य हों वहाँ रहने से धर्म नष्ट हो जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। वहाँ धर्म नष्ट हो जाता है, इसलिए अब हम लोगों को भी किसी अन्य राजा के लिए उपाय करना चाहिए। यद्यपि श्री नारायण जी की कृपा से बेन को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है, श्री सत्यनारायण की कृपा से पुनर्जीवित किया जा सकता है, परंतु वह अधर्मी को कदापि नहीं त्यागेगा, परंतु वह अधर्म को बिल्कुल नहीं त्यागेगा। अतः उसको पुनर्जीवित करना सर्प को दूध पिलाने के समान है। इस देश का राजा सिंहासन भक्त राज ध्रुव के वंश का है। अतः संभव है कि राजा वेन के शव में भी कुछ धर्म का अंश विद्यमान होगा। जिस देश का राजा सिंहासन भक्त के ध्रुव का है उसमें थोड़ी सी अंश विद्यमान तो होगा ही। अगर वो पापी है, दुराचारी है, तो वो ध्रुव के वंश का है, तो उसमें थोड़ी सी तो कुछ तो बचा होगा जिसमें धर्म हो। अब हम लोगों को चाहिए कि राजा वेन के शरीर में को मत कर उसमें से किसी बालक को उत्पन्न करे तथा उसे राज सिंहासन पर बिठाएं। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। ऐसे करने से प्रजा भी सुखी रहेगी तथा धर्म की रक्षा भी हो जाएगी। इस प्रकार निश्चय करने से उपरांत संपूर्ण शक्ति के भंडार भृंग वरिष्ठ आदि ऋषि मुनियों ने बेन की माता के पास जाकर कहा, तुम हमें बेन का शव दे दो। सुनीता यह सुनते ही अत्यंत प्रसन्न हुई और शीघ्र ही बेन के मृतक शरीर को उनके पास ले आई। तदुपरांत ऋषि मुनियों ने मनोच्चारण करते हुए राजा बेन की जंघा को दही के समान मथने द्वारा मथा, जहाँ उस जंघा मंथन से काले रंग का अत्यंत कुरूप एक नाटा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने ऋषि मुनियों के हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषियों, आप लोग मुझे किस कार्य की आज्ञा देते हैं? ऋषि मुनियों ने उसका यह रूप देखकर जब यह अनुभव किया कि यह पुरुष राज सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है, तब उसे यह आज्ञा दी कि तू वन में जाकर भीलों का राजा बन जा। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। ऋषियों की यह आज्ञा पाकर पुरुष वन को चला गया और वहाँ भीलों का राजा बनकर राज्य करने लगा। उसके वंश में मल्ला तथा मुराहर आदि जातियाँ पैदा हुई। राजा वेन की उस जंगा से उस पुरुष से के प्रकट होते ही वेन के शरीर में से संपूर्ण पाप निकल गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान।